तो गाइस आज है बहुत बड़ा दिन, आज है शहजादे साहब का बर्थडे, तो आज उनके लिए स्पेशल मैंने डिनर तैयार किया है। और सिर्फ इनको पता भी नहीं है मैंने क्या बनाया है, सिर्फ एक चीज़ का पता है, चिकन बिरयानी, बाकी सब सरप्राइज है। तो क्लीनिंग शुरू कर दी है, तो मैं जल्दी जल्दी घर साफ कर रही हूँ, फिर साफ करने के बाद ही हम लोग डेकोरेशन कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी एक बार पूरा घर साफ कर लेती हूँ वैक्यूम से। तो यहाँ साफ कर रही हूँ मैं जल्दी से, और बच्चों को मैंने पहले ही नहला दिया था ताकि आराम से फिर उनको रेडी कर सकूं रात के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। अभी यहाँ पे मैं डेकोरेशन करने के लिए आ गई हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ। तो आज मैंने रेड और वाइट की थीम रखी है बर्थडे की। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी डेकोरेशन तैयार हो गई है, आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये बर्थडे की डेकोरेशन। और साथ में मैंने केक भी बनाया है, तो ये देखिए ये है मेरे शहजादे साहब का केक, इस तरीके का मैंने केक बनाया है। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये केक कैसा लगा। ये देखिए ये केक की पिक्चर है। तो आज मैं आपको रसमलाई की रेसिपी देने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से रसमलाई बनाने वाले हैं हम। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया और इसको मैं अच्छे से उबाल लूँगी, जब इसमें अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा तो हाफ कप मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिला दूँगी। कंडेंस्ड मिल्क ये थोड़ा मीठा होता है, तो फिर थोड़ा दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा और मेरे को इसमें ज़्यादा शुगर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दूध बहुत ही पतला होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है, और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, इसमें हमारा बादाम, पिस्ता और काजू हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब एक बार और अच्छे से बॉयल आ जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क में, तो फिर हम इसमें केसर का दूध मिला देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल हो गया, तो यहाँ पे मैंने केसर को दूध में मिला के रखा था, तो ये भी हम दूध में ऐड कर देंगे इसमें। और केसर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, साथ में ये इलायची पाउडर है, तो थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर भी डाल दूँगी, तो इलायची पाउडर की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो दूध है थोड़ा थोड़ा हमारा बॉयल होता रहेगा। ये देखिए मैंने पूरा ऊपर तक लिया था, अब आधा हो गया इसकी क्वांटिटी और पक पक के। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी है, 1/4 कप शुगर ऐड कर दी है। और इधर मैंने ब्रेड ले लिया, तो मैं ब्रेड से रसमलाई बना रही हूँ, तो ऐसे गिलास की हेल्प से मैं बीच में से कट कर लूँगी ब्रेड को, और ये देखिए ऐसे गोल गोल पीसेस बना लूँगी। और अब जो रसमलाई मेरी जो बन गई थी, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर रसमलाई पे ब्रेड को ब्रेड पे रसमलाई डाल देंगे, और ये मेरे हस्बैंड खा के बताएंगे। ओए होए 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 होए, एक नंबर। लाइक इट? यस। ऑनेस्ट रिव्यू? वही टेस्ट आया? वही टेस्ट। ओके। और इधर दूध में मैंने अपना केक बना लिया है, यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ, डबल केक बना रही हूँ मैं, डबल स्टोरी केक। और केक तो आपने देख ही लिया, पर अभी डेकोरेशन कर रही हूँ तो मत देखना, सरप्राइज है। ओके। और चिकन बिरयानी का तो आपको पता ही है, बाकी चीजों का सब कुछ सरप्राइज है, क्या बन रहा है। ओके। अभी पता चलेगा, इधर ये केक बन रहा है और इधर मैं गनाश तैयार कर रही हूँ केक का। बड़े एक्साइटेड हो गया आज तो? हाँ, सोच रहा हूँ क्या क्या मिलेगा खाने को आज। शहजादे साहब का बर्थडे जो है आज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चिकन बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी साइड में शाही पनीर के लिए ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। तो एक साइड हमारा चिकन बिरयानी बन जाएगा और एक साइड हमारा शाही पनीर बन जाएगा। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है, इसमें मैंने काजू, बादाम और हमारे जो खड़े मसाले हैं प्याज टमाटर, उनको फ्राई करके डाला है। और अब यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है, और इसको थोड़ा भून के इसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल दूँगी, चॉप धनिया, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है अपना, और पनीर को मैं 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, और फिर इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। हमें क्रीम ही ऐड करना है, या तो क्रीम ऐड कीजिए या फिर दूध ऐड कीजिए। और अब साथ में ही मैं अपनी जो ग्रेवी है, ग्रेवी को मैंने छान लिया था और ग्रेवी को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अब एक बार मैं इसमें अच्छे से उबाल ले आऊँगी, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा केसर का दूध भी मिला दिया है, और ये बनने के बाद मैंने इसमें अपनी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमारा शाही पनीर बन गया है। और इधर मैंने चिकन बिरयानी अपनी रेडी कर दिया, तो मैं इसमें दम लगा के इसको भी स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ दूंगी।
जल्दी डिनर लगाती हूँ और डिनर में आप लोग भी देखिएगा मैंने क्या बनाया है और शहजादे साहब को आज खाना पसंद आएगा कि नहीं तो देखते हैं। मैं ये शाही पनीर में डाल रही हूँ, प्लेट रेडी कर रही हूँ। ये है शाही पनीर, इधर है हमारी चिकन दम बिरयानी। बिरयानी ये देखिए इस तरीके से मैंने चिकन दम बिरयानी बनाई है, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। लास्ट टाइम बहुत अच्छी बनी थी तो उन्होंने दोबारा बोला था तो मैंने फिर से बनाई है बर्थडे पे। और ये है मिर्ची का लच्छा पराठा और साथ में हमारा है बूंदी रायता। और ये आज का हमारा डिनर था और साथ में डिश में हमारे स्वीट डिश में रसमलाई थी। थैंक यू।